अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री का 12th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं हम दो। 11th में हमने ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। कोई भी सबस्टांस जिसको हम अपने जो फाइव सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं उससे अगर हम उनको फील कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि मैटर को आप फिजिकली क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द फिजिकल स्टेट, और फिर केमिकली हमने बोला था एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, और फिजिकली हमने किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट आपने ऑलरेडी 11th में स्टडी कर लिया है। यहाँ पे 12th में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस उसको हम सॉलिड स्टेट में कहेंगे। वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है अलग अलग सब्सटेंस नहीं होते हैं, सेम ही सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। बट हम किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में कब कहेंगे? अगर उसकी क्या हो, रिजिड हो, डेफिनेट शेप हो, और उसकी डेफिनेट क्या हो, वॉल्यूम हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। बेसिकली हम सॉलिड को इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई हो, रूम टेम्परेचर कितना होता है, जनरली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, बट 20 से 25 तक आप ले सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई हो, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में आमतौर पे जो कॉमन केमिकल है दैट इज़ वाटर। तो वाटर हमारे घर में जो मिलता है वो किस स्टेट में मिलता है, हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? क्योंकि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से लो है। अगर आप पानी को कूल करेंगे तो जैसे ही आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचेंगे तो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। बट हम पानी को सॉलिड नहीं कहेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर अगर हम देखें उस समय वो लिक्विड स्टेट में है, ना कि सॉलिड स्टेट में है। तो इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस सॉलिड तभी कहलाया जाएगा अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब पानी की एग्जांपल ही, पानी तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, डिपेंड करता है टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री से नीचे चले जाए तो सॉलिड हो जाएगा, 0 और हम अगर हम 100 डिग्री के बीच में रहें तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है, नो डाउट उसमें वेपर्स भी बनते रहते हैं। बट जैसे हम 100 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो बॉयल करना शुरू कर देता है, तो वो स्टीम बन जाते हैं, गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस तीनों स्टेट में पाया जा सकता है, बट हम सॉलिड तभी कहेंगे अगर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यही जो बर्फ़ है अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री होता, 0 डिग्री नहीं होता, तो फिर पानी जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता। तो फैक्टर कौन से हैं जो डिसाइड करते हैं कोई सब्सटेंस किस स्टेट में होगा? तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो थर्मल एनर्जी, दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी जो होती है दैट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल एनर्जी कांस्टेंट पार्टिकल की बढ़ती जाती है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो तो आपने स्टडी की हुई है 11th में कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हमने पूरा डिटेल में किया था वैन डर वाल फोर्सेस का कंसेप्ट आपको याद होगा, डिस्पर्सिव फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ पे हमने सारा स्टडी किया था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारा हमने वहाँ स्टडी किया था। ये कलेक्टिवली सभी इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट जो होती है वो कोशिश करता है मैं सॉलिड स्टेट में रहूं, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जैसे जैसे क्लोज आएंगे तो एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनना या डेफिनेट शेप बनना तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना पसंद करता है। बट जैसे जैसे आप क्या करते हो, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएं तो वो लिक्विड स्टेट में जाना पसंद करेगा। अगर और हम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक कर दें, ना के बराबर कर दें, तो गैसीय स्टेट में चला जाता है। थर्मल एनर्जी उसका बिल्कुल रिवर्स है, अगर थर्मल एनर्जी बहुत हाई है तो वो उस समय गैसीय स्टेट में होगा सब्सटेंस। अगर थर्मल एनर्जी
इंटरमीडिएट एटम लिक्विड स्टेट में, और सबसे लोएस्ट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होती है। तो लो थर्मल एनर्जी और स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी सबस्टांस का कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करे, जहाँ सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। तो सॉलिड के लिए लो थर्मल एनर्जी और स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए, लिक्विड के लिए इंटरमीडिएट और गैसेस के लिए थर्मल एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीकेस्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगेस्ट हैं, तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं बहुत कम होती हैं। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो सेपरेशन होती है बहुत स्मॉल होती है, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं, डेफिनेट शेप होती है और इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जहाँ वो हिल डुल नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपनी वॉल्यूम को ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, इसलिए उनमें वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। और मॉलिक्यूल जो होते हैं या कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं, दैट कैन बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, उनकी फिक्स पोजिशन होती है, ना वो दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, इसलिए फिक्स पोजिशन की वजह से ही उनकी शेप भी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाते। सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, पर एक ही बात को गांठ बांध के नहीं चलना है, ऐसा जरूर नहीं है, सभी सॉलिड जो है हार्ड होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं, जैसे ग्रेफाइट की एग्जांपल आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, सॉफ्ट होता है। जैसे हम मेटल में देखेंगे तो सोडियम मेटल इतना हार्ड नहीं होता है, उसको आप चाकू से काट सकते हैं आराम से, बट उसकी जगह आयरन को लेंगे तो बहुत हार्ड है। तो सॉलिड जनरली हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी तभी आती है जब स्पेसेस ज़्यादा होती है, उनको क्लोज लाने की गुंजाइश हो, जिसमें ऑलरेडी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं, बहुत क्लोज हैं पार्टिकल्स, उनको आप और क्लोज नहीं ला सकते, तो उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेस आप कर सकते हो गैसेस को, गैसेस से कम आप कर सकते हो लिक्विड्स को। सॉलिड ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फिर सॉलिड जो होते हैं उनमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, इनमें ना ट्रांसलेटरी मोशन होता है ना ही रोटेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। फिर सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वेदर दे आर एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी फिक्स पोजिशन होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये याद रखना है, लिक्विड की डेंसिटी उससे लो होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डेंसिटी तो आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की क्लासिफिकेशन हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं, सबसे पहले हम करेंगे कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से। तो दो तरह के सॉलिड पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें जो कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं उनकी डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होती है, जहाँ जिसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल वे में अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर कह सकते हैं। तो अगर कोई भी सॉलिड जिसमें कंस्टेंट पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो, डेफिनेट हो, वेल डिफाइंड हो, तो ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जब अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, तो इनकी ज्योमेट्री भी क्या बनेगी, रेगुलर ही बनेगी। जैसे आप बात करें कि अगर आप स्कूल में बच्चों को इस तरह से खड़ा करें कि भारत का एक मैप बन जाए, क्योंकि आप उसी हिसाब से बच्चों को अरेंज करेंगे, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट से ही आप बना सकते हैं। हम कहेंगे बच्चों को आगे पीछे जहां मर्जी खड़े हो जाएं तो भारत का मैप तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न में खड़े होंगे तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की शेप बनती है। जबकि हम जो जान रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एक डेफिनेट या रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक डेफिनेट पर्टिकुलर शेप होती है इनकी। इनमें जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स होते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होते हैं। मोस्टली इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही पाया जाता है, बीच बीच में कहीं शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होते हैं। ये हम आगे जाके आपको बताएंगे व्हाट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर या शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी मैं आपको इतना ही बता दूं कि इनमें एक पैटर्न रहता है अरेंजमेंट का। अगर वो पैटर्न लार्ज स्पेस के ऊपर काफ़ी दूर दूर तक एक जैसे ही अरेंजमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
अगर कहीं पे छोटी छोटी अरेंजमेंट एक पैटर्न आ रहा है, उसके थोड़ी दूरी के बाद वो पैटर्न चेंज होता है, दूसरा पैटर्न आ जाता है, तो अगर थोड़ी थोड़ी स्पेसेस के बाद पैटर्न चेंज हो जाते हैं और वो जो पैटर्न है वो एक ही रहता है, उसके बाद दूसरा पैटर्न फिर हो सकता है पहले वाला दोबारा रिपीट हो जाए, वो जो शॉर्ट स्पेसेस में पैटर्न चेंज होते जाते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट अरेंज ऑर्डर बोलते हैं। हमारे पास सॉलिड कौन से होते हैं जिसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है कॉन्स्टेंट पार्टिकल की, पार्टिकल ऐसे ही आगे पीछे जहाँ मर्जी करते हैं वो बैठे होते हैं, तो उनमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होंगे। थोड़ी थोड़ी स्पेसेस में भी ऐसी स्पेस वहाँ पे मिल जाए जहाँ पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो, पर ओवरऑल लार्ज स्पेस के ऊपर वहाँ पे कोई एक अरेंजमेंट नहीं मिलेगी, इनको हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो आगे इसमें हम डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। ये मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई किसी भी चीज़ के दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस आता है, हमेशा ट्राई कीजिए जो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन होती है वो दोनों के बीच में लिखिए। तो बेसिक डेफिनेशन जहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, हैव डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। अब अरेंजमेंट जहाँ से देखिए, ये एक अरेंजमेंट लिखी है मैंने, ऐसे तो हमने मॉलिक्यूल को अज्यूम कर लिया, जो कांस्टेंट पार्टिकल हम सपोज करके चल रहे हैं कि हम उनको लिख रहे हैं एरो के थ्रू, तो ये एरो के हमने हेड्स ऊपर लिखे हैं और टेल्स नीचे की तरफ लिखी है। ये एक अरेंजमेंट बताई है मैंने आपको बताने के लिए कि ये रेगुलर है और ये इररेगुलर अरेंजमेंट कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, सभी एरोज के फेसेस जो हैं, हेड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं और टेल्स नीचे की तरफ हैं, जहाँ तक देखिए। फिर जहाँ बीच में आके थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज हुई, इन्होंने अपने फेस नीचे कर लीजिए ऐसे आपको समझाने के लिए है, तो दो रोज जिनके फेस नीचे की तरफ है, हेड जिनके नीचे की तरफ है, फिर पहले वाला पैटर्न दोबारा स्टार्ट हो गया। तो जहाँ से जहाँ देखिए एक पैटर्न है, फिर जहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ और फिर दोबारा यही वाला पैटर्न जो है आ गया। तो इन यहाँ पे क्या है, एक तो रेगुलर अरेंजमेंट है, दूसरी बात हम बाद में करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, किसी का फेस इधर है, किसी का इधर है, कहीं पर बीच में एक थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको मिल रही है। ये वाला पोर्शन अगर देखें तो यहाँ पे पांच छह पार्टिकल इनका फेस ऊपर की तरफ, दूसरी रो में भी ऐसा है, बाकी सारे क्या हैं, हैफजर्डली या रैंडमली ऐसे आगे पीछे बैठे हुए हैं, किसी का मुंह इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है। तो यहाँ पे देखिए एक रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे इररेगुलर अरेंजमेंट है। फिर दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताना था, इसमें दोनों होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न था, तो ये काफी ज़्यादा जो स्पेस है वहाँ पे एक तरह का पैटर्न है, फिर जहाँ पे भी देखिए यही पैटर्न है, बीच में थोड़ा सा स्मॉल स्पेस में एक अलग पैटर्न है। ये जो स्मॉल स्पेस में एक पैटर्न है जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसमें दोनों पाए जाएंगे, आपको दूर दूर तक एक जैसा पैटर्न मिलेगा, फिर कहीं पे छोटी सी स्पेस आएगी जहाँ पे अलग पैटर्न होगा, फिर दोबारा दूसरा पैटर्न मिलेगा। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है इसमें और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है इसमें। देखिए बीच में थोड़ा सा एक स्पेस है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, तो इसमें हमेशा आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही मिलेंगे। हो सकता है आगे जाकर भी फिर आपको ये वाला पैटर्न मिल जाए, पर थोड़ी थोड़ी स्पेस में मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेंगे, इसमें दोनों मिलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्योंकि पैटर्न एक पर्टिकुलर जगह पे अरेंजमेंट हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइप की अरेंजमेंट हो रही है, इसलिए इनकी शेप क्या होगी, डेफिनेट शेप होगी। ऐसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, जैसे हम नेशनल मैप बनाना चाहते हैं बच्चों को खड़ा करके, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम उनको खड़ा करेंगे तो एक मैप बनेगा, अगर हैफजर्डली खड़ा कर देंगे तो कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं बनेगी। तो इनमें डेफिनेट शेप होती है, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। इसको भी आपको क्लियर करने की जरूरत है, एनआइसोट्रोपिक क्या होता है। तो एनआइसोट्रोपिक क्या होता है, जब हम किसी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, उसका रिफ्रैक्शन स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से स्टडी करते हैं और हर डायरेक्शन से एक जैसी वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टल की हर डायरेक्शन से एक जैसी आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, और अगर डिफरेंट आए तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे आर एनआइसोट्रोपिक, जानने की हर डायरेक्शन से उनकी प्रॉपर्टी आपको अलग दिखाई देगी। ऐसा क्यों है, चलिए यहीं से आपको समझा देते हैं इसी शेप से। देखिए इसमें अगर हम कोई बंदा इधर से देखेगा, उनको सबके हेड्स इस तरफ दिखाई देंगे, इधर से देखेगा तो टेल दिखाई देंगी। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो इन्हीं पार्टिकल की वजह से ही है।
तो जैसे इनके अरेंजमेंट है वैसा ही आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। इधर से आपको अलग व्यू दिखेगा, इधर से अलग व्यू दिखेगा, इधर से आपको अलग व्यू दिखेगा। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से आपको क्या करेंगी, दिखेंगी अलग अलग दिखेंगी। इसमें देखिए रैंडम अरेंजमेंट है, हो सकता है इसमें मान लीजिए 100 पार्टिकल हमने अरेंज किए हुए हैं, किसी का मुंह इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का नीचे है। ऑन एवरेज ऐसा हो सकता है कि 25 का फेस इधर हो जाए, 25 का इधर हो जाए, 25 का ऊपर हो जाए, 25 का नीचे हो जाए। तो एज ए रिजल्ट आपको जैसे हर डायरेक्शन से देख लीजिए आपको एक जैसे ही अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है हर डायरेक्शन से एक जैसी होगी। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और अमॉर्फस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ये याद रखना है। शार्प मेल्टिंग का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही जो मेल्ट करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास सबस्टांस है उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज कर लीजिए 150 सेंटीग्रेड है, तो जैसे 150 पहुंचेगा पूरा का पूरा सबस्टांस उसी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक रेंज रहती है, उसका 150 से लेकर 155 तक वो मेल्ट करता रहे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट नहीं करेगा। जैसे आप पॉलीथीन को मेल्ट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता है, क्योंकि पॉलीथीन जो है बेसिकली उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कंसिडर कर सकते हैं। तो इनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। फिर जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं विद नाइफ चाकू से काटते हैं तो एक क्लीन क्लीवेज आता है, क्लियर कट आता है। अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है, इररेगुलर टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, साफ सुथरा नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड, सही मायने में सॉलिड इन्हीं को कहते हैं, अमॉर्फस को हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड में मैंने आपको पहले बताया कि सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर फ्लूडिडिटी नहीं होती है। बट ये देखा गया है कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल थोड़े बहुत फ्लो करते हैं, उनमें स्मॉल फ्लूडिडिटी होती है। तो इसलिए इसको हम 100% सॉलिड नहीं कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड की तरह ही है, जिनको बहुत ज़्यादा कूल किया है तो सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं इनको, जहाँ इनको हम स्यूडो सॉलिड कह सकते हैं। धोखा दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि सॉलिड है बट प्रॉपर्टीज इनके बीच में थोड़ी सी लिक्विड की भी दिख रही है। तो इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इनको हम क्या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, जहाँ क्या बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट आर स्यूडो सॉलिड, तो आपने बोलना है अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने ये ऑलरेडी कवर कर दिया कि इनके अंदर फ्लूडिडिटी नहीं होती है, इनके अंदर फ्लूडिडिटी स्मॉल फ्लूडिडिटी होती है, यानी कि फ्लो करने की इनमें क्षमता होती है। फिर आप नेक्स्ट, ये कोई डिफरेंस नहीं है बट लिख सकते हैं आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे डायमंड है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं आप, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सभी आप लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन में। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास, इवन पॉलीमर्स बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप उनकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये चैप्टर 4 नंबर का है। तो अगर आप 4-5 डिफरेंस भी लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाते हैं, 4 से ऊपर इसमें आता नहीं है। नेक्स्ट बच्चे क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि जो सॉलिड जिससे बना हुआ है, चाहे वो एटम से बना है, चाहे वो मॉलिक्यूल से बना है, चाहे वो आयन से बना है, उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं, आयनिक सॉलिड हो सकते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और लास्ट में है मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन्स होंगे, अपोजिटली चार्ज आयन्स होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, और इनमें जो बाइंडिंग फोर्स है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, यानी कि आयनिक बॉन्ड होगा। कोवलेंट कौन से होते हैं, जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे सॉलिड जो किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा और उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कौन सी होंगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, यानी कि वैंडरवाल फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जो आपने 11th में पढ़ी हुई है, वैंडरवाल फोर्सेस डिटेल में पढ़ा था, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सिव फोर्सेस पढ़ा था आप लोगों ने,
आपको याद होगा तो मैंने बताया था डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंटरेक्शंस, आयन डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारा आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो अगर कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में वैंडरवाल फोर्सेस हैं जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उन सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? इनमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या रहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, जनरली वो मेटल आयंस होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस को हम कर्नल भी बोलते हैं। ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका स्पेलिंग भी अलग है, KERNEL। तो कर्नल क्या होते हैं? कोई पूछिए आपको व्हाट आर कर्नल्स, तो आपने बोलना है पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस आर नोन एज कर्नल्स। तो इनमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? कर्नल्स, और क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो कौन सी होती है? मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? क्या होता है? ये वो फोर्स है जो मेटल आयंस को आपस में बाइंड करती है, बांधती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। बेसिकली इसमें अगर आप क्रिस्टल लैटिस पढ़ोगे इसका, तो उसमें आप देखोगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस है और उसके इर्द गिर्द क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिया गया मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, जी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें, कई बार आपको मैंने इस तरह से क्यों बनाया है? क्योंकि आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, चारों के आपको डिफरेंस पता चल गए। इनमें कांस्टेंट पार्टिकल आयंस हैं, इसमें एटम्स हैं, इनमें मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें बाइंडिंग फोर्स क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं, रिपल्शन नहीं लिखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आयनिक बांध। इसमें कोवलेंट बांध है, इनमें क्या है? इंटर मॉलिकुलर है, जो डाइपोल डाइपोल हो सकती है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लिख सकते हैं इसको। इनमें मेटालिक बांध। फिर कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। याद रखना है जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस आती कैसे है। जब भी कोई चार्ज मूव करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, जनरली प्रोटॉन लेते नहीं हम, उसकी होल कंसिडर करते हैं उसको, जहाँ इलेक्ट्रॉन, जहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज आयन है, जहाँ नेगेटिवली चार्ज आयन है, कैटायन एनायन। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो दो तरह के फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टेंस बेसिकली चार्ज के फ्लो करने से आती है। तो सॉलिड स्टेट में जैसे कि हम शुरू में बता चुके हैं आप लोग कि आयनिक सॉलिड में, जो जनरली सॉलिड की बात करें हम दो, तो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है और कोई मोशन होता नहीं है। तो सॉलिड स्टेट में इनके आयंस जो हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो है इंसुलेटर्स हैं सॉलिड स्टेट में। बट जैसे इनको हम मेल्ट करते हैं, फिर इनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक फोर्स है वो वीक हो जाती है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है इनकी, तो जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट आती है, तो फिर ये कंडक्टर बन जाते हैं। जहाँ इनको जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो जैसे ही पानी में डिजॉल्व करते हैं इनको मीडियम मिल जाता है, आयंस जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, तो फ्री मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। तो फिर इसलिए जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं वो कंडक्टर बन जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं दे आर जनरली इंसुलेटर्स, एक्सेप्ट हम बात करें किसकी, ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट जो होता है ये इंसुलेटर नहीं है, ये कनेक्टर है। जब भी हम बात बताएंगे आपको, जब इसका स्ट्रक्चर आगे जाके हम बात करेंगे इसी में जितना सा हो जाए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कनेक्टर क्यों है। मॉलिकुलर सॉलिड जो होते हैं, ऑल द मॉलिकुलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर, ये कनेक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। फिर मेटल जितने भी हैं, मेटालिक सॉलिड जितने भी हैं, दे आर कंडक्टर्स। सॉलिबिलिटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं दे आर जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब कोवलेंट सॉलिड जो है मोस्टली क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, अगर तो पोलर है बच्चे, पोलर थोड़े बहुत पानी में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे या बहुत कम सॉल्युबल होंगे। मेटल जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सेप्ट जो बड़े रिएक्टिव मेटल हैं वो एज ए मेटल नहीं होते हैं डिजॉल्व। जैसे उनमें पानी डालते हैं उनकी रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है। सोडियम को मेटल में, सोडियम मेटल है, उसको पानी में डालें तो वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे पानी में डालते हैं हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, उस केस में सोडियम वहाँ पर हम कहेंगे कि डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, उसकी रिएक्शन हो रही है,
मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं हम ये कहते हैं ऑल मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। या फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं आयनिक सारे जितने भी आयनिक कंपाउंड है सबके एग्जांपल दे दीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, वट एवर जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देन इसमें कोवलेंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं डायमंड की, ग्रेफाइट की, सिलिकॉन कार्बाइड की, अल्मूना की, बोरान नाइट्राइड की एटसेट्रा। फिर आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं आयोडीन की, हाइड्रोजन, हम बोलेंगे सर हाइड्रोजन तो गैस होती है जहाँ क्यों एग्जाम्पल दी है, तो हाइड्रोजन को जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर लो करेंगे उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, जो हमने लैंग्वेज में पढ़ा भी था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, फिर सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, इसको ड्राई गैस भी बोलते हैं, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई गैस बोलते हैं। इसी तरह से हाइड्रो आयोडिक एसिड है, फिर आइस है, ये मैंने क्यों लिखा पर्टिकुलर बेसिकली एच आई मैंने लिखा हुआ है पोलर सॉलिड में, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के लिए लिखा हुआ है। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, हाइड्रोजन में इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाएंगी। बेसिकली डाइप जहाँ पे डाइपोल रहता नहीं है क्योंकि कार्बन लीनियर शेप है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी आप इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल कह सकते हैं। आयोडीन में आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाएंगी। फिर इसमें आप सभी मेटल जितने भी हैं सबकी एग्जाम्पल दे सकते हो, ऑल मेटल लिख सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट हम बताएंगे कि ये डायमंड और इंसुलेटर में जो है कनेक्टेंस का क्या वो है कंसेप्ट क्या है। देखिए बच्चे मैं बात कर रहा था कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कोवलेंट सॉलिड्स हैं, पर एक जो है जैसे हम इसकी बात करें ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर है और डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, ऐसा क्यों है? तो देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर है हर कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए जी कार्बन इधर भी ऊपर कार्बन है, कार्बन 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 हर कार्बन चार कार्बन है, एक कार्बन इधर भी होगा, सिमिलरली ये वाला कार्बन है एक दो तीन कार्बन साथ ये वाला, तो ये सो ऑन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क चलता रहेगा। हर कार्बन जो है वो चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायमंड के स्ट्रक्चर में। और कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिक्स। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है, सिक्स। तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में चार, तो हर कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं किसी चार्ज की, तो इसलिए ये कनेक्टर नहीं होगा, ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। बट अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ईच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद थ्री कार्बन एटम्स। यहाँ पे जैसे हेक्सागोनल टाइप बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बनता है उस तरह से बन रही है, ये एक लेयर है जी, इस तरह से लेयर है, ऐसे नहीं है ये बोर्ड पे ऊपर ऐसे लिखी हुई है, ये एक लेयर ऐसी है जहाँ पे हेक्सागन है फिर दूसरी हेक्सागन ऐसे आपस में जुड़ी हुई है, और हर कार्बन जो है वो तीन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, इस तरह से एक दो तीन, हर कार्बन तीन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये पहली लेयर है, फिर दूसरी है, इसके ऊपर भी एक लेयर होगी, तो दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना सेपरेशन है, 340 पिकोमीटर है। बाकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ आपको पता है 154, जहाँ पे 154 है, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 141 के करीब है, डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जैसे बेंजीन में होता है, तो ये डबल बॉन्ड घूमता रहता है, जैसे जहाँ हम कहें कि हर कार्बन का एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करेगा, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है वो कनेक्टर है, ये याद रखना आप लोगों ने। जबकि डायमंड में ऐसी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है फ्री, तो वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या है, इंसुलेटर है। ये जो वीक फोर्सेस है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, इसी की वजह से ग्रेफाइट के अंदर प्रॉपर्टी आती है कि वो एज ए ल्यूब्रिकेंट काम कर सकता है, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती हैं, जिसकी वजह से एज ए ल्यूब्रिकेंट काम करता है। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे अब टॉपिक हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है कांस्टेंट पार्टिकल की ओवर लॉन्ग रेंज तक होती है। हमने मान लीजिए जी हमने अरेंजमेंट लिखी है इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, तो जी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमने इनको डॉट क्या है जी, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या आयंस हैं, इन थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स या डॉट्स। वो जो रेगुलर अरेंजमेंट हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, उस रेगुलर अरेंजमेंट को जब हम डॉट्स या पॉइंट्स की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, या क्या बोलते हैं,
स्पेस लैटिस बोलते हैं, यानी कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उस रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस, या क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, या क्या बोलते हैं इनको, पॉइंट्स। तो ये मैंने एक स्पेस लैटिस लिखा हुआ है, बेसिकली ये थ्री डायमेंशन में होगा, बोर्ड पे तो आपको टू डायमेंशन ही दिख रहा है, बेसिकली दिस विल बी इन थ्री डायमेंशन होगा। अब जहाँ जहाँ पे कोई कांस्टेंट पार्टिकल, ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल, जहाँ पे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, जहाँ जहाँ पर भी कांस्टेंट पार्टिकल होगा, ये जो डॉट है इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस साइट। याद रखिए कि जो पोजीशन अकुपाई करता है कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस में, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस में जो पॉइंट, जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जहाँ लैटिस साइट बोलते हैं। और जो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में स्पेस बच जाती है खाली, ये आगे जाके हमें फिर करना है क्लोज पैकिंग में, जो स्पेस बीच में बची हुई है, ये कांस्टेंट पार्टिकल, ये कांस्टेंट पार्टिकल, ये भी कांस्टेंट पार्टिकल है, ये जो बीच में स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, जहाँ इनको होल्स बोलते हैं, जहाँ इनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे डार्ट हमने लिखे हैं, ऐसा नहीं है जब हम क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे इनको बड़े बड़े स्फीयर लिखेंगे तो ये स्पेस आपको बिल्कुल कम दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस और पार्टिकल छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है। जब एक्चुअल पिक्चर आपके सामने आएगी तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि इंटरस्टिशियल साइट क्या है। तो जब आप मान लीजिए आपके पास चार बड़े बड़े फुट वाला, उनको चारों को जोड़ दीजिए तो बीच में स्पेस तो बच जाएगी खाली, वो जो खाली स्पेस बचेगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, जहाँ वाइड बोलते हैं, जहाँ होल भी बोलते हैं। तो ये मैंने यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट सेल क्या होता है। तो एक अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस जिसको हम बोलते हैं, जहाँ स्पेस लैटिस बोलते हैं, ये एक अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट से अगर हम पूरा ड्रा करने के बजाय कोई छोटा सा पार्ट चूज कर ले, ऐसा फाइंड कर ले हम इसको देखते हुए कि ऐसा एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बार बार अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्सिस रिपीट करते जाएं, और जो पूरा लैटिस हमारा तैयार हो जाए, इतना बड़ा ड्रा करने की जरूरत नहीं। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें आपस में, मान लीजिए ये चारों दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, इनको चारों को ज्वाइन कर दो, एक स्केयर बन जाएगा हमारे पास। तो ये सारे डार्ट लिखने जाएगा, हम इस स्केयर को रिपीट करना शुरू कर दें तो ये पूरा हमारा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी क्रिस्टल लैटिस का, इसमें से चुना हुआ छोटा सा पोर्शन जो पूरे के पूरे क्रिस्टल को तैयार कर देता है, क्रिस्टल लैटिस को तैयार कर देता है। कब? जब हम उसी स्मॉल पार्ट को रिपीट करते हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस, उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या है, ए यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड, जिसको हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ओवर एंड अगेन मतलब बार बार इन डिफरेंट डायरेक्शन, चले 3D तीन डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड। तो वो पूरे के पूरे क्रिस्टल को क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर देता है, व्हिच जनरेट्स द होल क्रिस्टल लैटिस, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। देन है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टू डायमेंशन अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो लैटिस पॉइंट है, बेसिकली इन पॉइंट को जोड़ने का हमारे पास डिफरेंट तरीके, हम जब इनको जोड़ते हैं इनके बीच की दूरी कैसी है उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट शेप जनरेट हो सकती है। तो टू डायमेंशन में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास आ सकती हैं जो हम स्मॉल पार्ट यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या आ सकती है, जैसे इनको हम जोड़ें तो स्केयर में बन सकता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग शेप दिखेगी आपको। तो स्केयर बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकती है, अगर ये दूरी लंबी हो और ये वाली छोटी हो तो तब जब इनको ज्वाइन करेंगे तो स्केयर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो टू डायमेंशन में स्केयर यूनिट सेल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकती है, रेक्टेंगल के बीच में एक पॉइंट बीच में भी हो सकता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट। ऐसा ही रोम्बस हो सकता है, यहाँ पर मैंने एंगल भी शो किया है 60 degree, बेसिकली स्केयर भी रोम्बस ही होता है, वहाँ पे एंगल 90 degree होता है, साइडें बराबर होती हैं, रोम्बस में एंगल 90 degree नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने एंगल भी मेंशन किया हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास यूनिट सेल हो सकते हैं टू डायमेंशन में, स्केयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट हो सकता है, और रोम्बस भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, हमें टू डायमेंशन में पढ़े यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं, स्केयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट, रोम्बस।
अब नेक्स्ट है एक्चुअल जो पिक्चर है वो है थ्री डायमेंशन की, कि थ्री डायमेंशन में यूनिट सेल कैसे आप क्लासिफाई करेंगे। तो थ्री डायमेंशन में किसी भी यूनिट सेल को करेक्टराइज करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें जरूरी चाहिए, एक तो उनकी एज लेंथ और दूसरा एक्चुअल एंगल्स। एज लेंथ क्या चीज़ है, एक्चुअल एंगल्स क्या चीज़ है जी, आपको समझाना पड़ेगा पहले। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में आप मकान बनाते हैं, तो मकान किससे बनाते हैं आप लोग, ईंटों से बनाते हैं। तो ईंट ईंट जगह आप अलॉन्ग एक्स एक्स लॉन्ग वाई एक्स लॉन्ग जेड एक्स जब आप ईंट ईंट जोड़ते हैं तो आपका पूरा कमरा तैयार हो जाता है। तो यूनिट सेल क्या हुआ आपके कमरे का, वो हो गया आपका जो ईंट है। अब ईंट को आप देखिए, ईंट की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और हाइट भी होती है उसकी। अब अगर उनको आप तीन साइडें में ऑब्जर्व करें उसको, जैसे ईंट आपके पास है, जैसे मैं आपको बताऊँ मेरे पास ये बुक है, इस बुक को आप ईंट लेके चलिए, ये एक इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई हाइट होगी। तो अगर यही जोड़ जोड़ के हम बनाएंगे पूरा क्रिस्टल तो ये हमारा यूनिट सेल हो गया। अब इसमें थ्री डायमेंशन आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो लेंथ, दूसरी ब्रेथ, तीसरी आपको हाइट चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तो आपको एक्स बाई जेड पता होना चाहिए यूनिट सेल का। अब इस यूनिट सेल की लेंथ कितनी, इसकी लेंथ है कुछ वो पता होना चाहिए, इसकी ब्रेथ कितनी वो पता होना चाहिए और आपको हाइट पता होना चाहिए। अब इसके और इसके बीच में एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी एंगल है 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में भी क्या है एंगल है 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आपको एंगल भी पता होना चाहिए और आपको जो लेंथ ब्रेथ हाइट है किसकी यूनिट सेल की वो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये हैं एक्स अल्फा बीटा गामा है, और जो लेंथ है ईंट की जो लेंथ मान रहे हैं हम वो मान रहे हैं ए, उसकी हाइट हम मान ले बी और उसकी ब्रेथ हम मान ले जो हुआ है सी है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये हम लिख रहे हैं एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है। ये मान लीजिए जहाँ पर हमने ईंट रखी तो ईंट की लेंथ आ गई ए, ये ए ए आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही उसकी हाइट सी सी है और जहाँ पे चौड़ाई उसकी कितनी है बी बी है। ए के अपोजिट एंगल अल्फा, बी के अपोजिट एंगल, बी के अपोजिट एंगल बीटा, सी के अपोजिट एंगल अल्फा आपने याद रखना है। तो ये अल्फा बीटा गामा और एज लेंथ जो है ए बी सी, उसके बेसिस के ऊपर थ्री डायमेंशन में यूनिट सेल जो है वो 7 टाइप्स के हैं। वो कौन कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, और कौन सा है हेक्सागोनल है। इनके नाम कैसे याद रखने हैं उसके लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है, क्लास टीचर ऑर्डर्ड मी टू रिस्पेक्ट हर। क्लास सी फॉर क्यूबिक, टीचर टी से आ गया टेट्रागोनल, ऑर्डर ऑर्थोरोम्बिक, मी से एम से मोनोक्लिनिक, टू से ट्राइक्लिनिक, रिस्पेक्ट से आर रोम्बोहेड्रल और हर से एच आ गया हेक्सागोनल। अब आपको पता होना चाहिए होते क्या है जी। तो क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है जिसमें तीनों, जो हमने ईंट देखी उसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ उसकी अलग होती है, हाइट उसकी अलग होती है। अगर तीनों बराबर हो जाएं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो जाएं, तो वही ईंट क्या कहलाएगी, क्यूबिक यूनिट सेल उसका हो जाएगा। तो इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों लेंथ बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और कितने होते हैं 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कितना आएगा 90 डिग्री। टेट्रागोनल में क्या होता है, दो साइडें बराबर होती हैं, ए और बी बराबर होते हैं, बट थर्ड साइड जो सी है वो अलग होगी, वो छोटी बड़ी हो सकती है। एंगल जो है वो तीनों बराबर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, तो तब होगा टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों साइडें अलग होंगी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल तीनों बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे और तीनों किस बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। मोनोक्लिनिक में आपने याद रखना है तीनों साइडें डिफरेंट हैं बट दो एंगल बराबर हैं, कौन से बराबर हैं, अल्फा और गामा बराबर हैं 90 डिग्री के, बीटा जो है वो उसके बराबर नहीं है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों साइडें डिफरेंट, तीनों एंगल डिफरेंट, कोई भी 90 डिग्री नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
रोम्बोहेड्रल में क्या है, तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, बट एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। पहले वाले में और इसमें यही डिफरेंस है, इसमें तीनों साइडें बराबर हैं, क्यूबिक में तीनों एंगल बराबर हैं बट 90 डिग्री हैं। इसमें भी तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हैं बट एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में दो साइडें बराबर हैं, थर्ड साइड डिफरेंट है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, और गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर है, जैसे कि ग्राफाइट में अभी आपने पीछे देखा था, उसमें हेक्सागन बनती है तो एंगल अल्फा जो है वो हो जाता है 120 डिग्री, सॉरी बीटा गामा जो होता है 120 डिग्री हो जाता है, अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री आते हैं उस पर। अब इनको याद कैसे रखना है, नाम तो मैंने बता दिया, आपने कैसे याद रखना है, क्लास टीचर ऑर्डर्ड मी टू रिस्पेक्ट हर। अब इसको याद कैसे करना है, आपने शुरू हो जाना है यहाँ से, पहले तीन में तीनों साइड एंगल बराबर हैं, 90 डिग्री हैं ये, ओके। शुरू करना है साइडों से, पहले में तीनों साइडें बराबर हैं, फिर बारी बारी से साइडें बराबर नहीं करना शुरू करनी है, पहले तीनों बराबर हैं, दूसरे में दो बराबर हैं, तीसरे में तीनों डिफरेंट हो गई, फिर इनको रिपीट करना, चौथे में भी डिफरेंट है, पाँच में भी डिफरेंट हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, एंगल तो पहले तीन में बराबर हैं, इसमें आपने याद कर लेना है कि अल्फा और गामा बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर, बीटा डिफरेंट है। इसमें आपने याद रखना है, ट्राइक्लिनिक में आपने ऐसे भी याद रखना है, ना तो साइडें बराबर होती हैं, ना एंगल बराबर होते हैं, और ना ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। फिर आपने ये दो ऊपर वाली उठा लेनी है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी यहाँ लिख देना है, फिर नीचे वाली ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी ये लिख लेना है यहाँ पे, ऐसे आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में क्या है, एंगल बराबर है बट 90 डिग्री के बराबर नहीं, क्यूबिक में 90 डिग्री है और उसमें 90 डिग्री नहीं है। लास्ट वाला आपने याद रखना कि अल्फा और बीटा बराबर है 90 डिग्री के, बट गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। तो ये है 7 टाइप्स ऑफ जर्नल सेल, इनको हम क्रिस्टल हैबिट्स भी बोलते हैं, जहाँ क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये 7 टाइप के यूनिट सेल आपने लर्न करने हैं। अब इनमें आप बता दूं, मैं आपको कोई पूछे आपको मोस्ट ब्यूटीफुल यूनिट सेल कौन सा है, तो वो है क्यूबिक, क्योंकि इसमें तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं। तो दिस इज मोस्ट सिमेट्रिकल कह सकते हैं आप, ब्यूटीफुल की जगह मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा होता है, क्यूबिक। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है, वो है ट्राइक्लिनिक, ना तो साइडें बराबर हैं ना ही एंगल बराबर हैं। बाकी एग्जांपल्स आप खुद कर सकते हैं, इसमें तो रटा ही मारना आपको, क्योंकि ये तो एक्सरे से पता चला हुआ है इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ऐसे तो आप नहीं बता सकते। तो फिर आपने थोड़ी बहुत इसमें एग्जांपल्स क्या कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। तो नेक्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी आपको लाइव क्लास ले ली है, तो वहाँ से मैं आपको रिकॉर्डिंग उसकी भेज दूँगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।